सो हेलो सर, कैसे हो आप सब लोग। इस आज की वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं TVS Apache RTR 164V BS6 मॉडल को और देखने वाले हैं क्या कुछ इस बाइक में आपको मिलता है, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है, क्या इससे बेटर भी कोई बाइक है या फिर नहीं है, किस पर्पज़ के लिए जो है ये बाइक लेनी चाहिए, किस पर्पज़ के लिए नहीं लेनी चाहिए। तो इस आज जो है इसी बाइक के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को जो है एंड तक देख लेना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इस बात करेंगे लुक्स के बारे में। लुक्स की बात करूँ, यहाँ पर जो आपको स्पोर्टी एंड जो है मस्कुलर लुक दिया जाता है BS6 मॉडल में। जो आपको फ्रंट में LED हेडलाइट जो कि एक न्यू शेप में आपको देखने को मिलते हैं, ये जो है काफी प्रीमियम लगती है। आपको बता दूं कि इसमें जो है आपको काफी सारे कलर्स देखने को मिल जाते हैं। एक तो जो है आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो ब्लू कलर, दूसरा जो है वो है ब्लैक कलर, तीसरा जो है वो रेड कलर। सो यहाँ पे जो है तीन कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। सो कलर्स की भी जो है कोई कमी आपको नहीं लगेगी। सो यहाँ पे जो है लुक्स वाइज बाइक काफी अच्छी है। यहाँ पे जो है आपको टाइम टू टाइम जो है अपडेट देखने को मिलते हैं TVS की तरफ से। सो लुक्स में जो है कोई भी कमी आपको नहीं लगेगी। अभी बात करते हैं इस इंजन के बारे में। यहाँ पे जो है आपको 159cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक F5 BS6 ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाता है। इंजन जो है ये काफ़ी अच्छी पावर आपको देता है। 16.02 BHP जो है पावर देता है, अपने सेगमेंट जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है बाइक। टॉर्क आपको 14.12 न्यूटन मीटर्स का मिल जाता है। सो यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस आपको अच्छी खासी दे देती है। 160cc में जो है परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी जानी जाती है बाइक। जिस प्राइस में बाइक आती है उस प्राइस में जो है कोई भी बाइक आपको इतनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकती। आपको बता दूंगा जिसमें जो है आपको 5 गियर्स मिलते हैं। यहाँ पे जो है आपको 30-35 तक की माइलेज दे देगी। 35 प्लस जो है आपको हाईवे देखने को मिल जाएगी, लगभग हाईवे जो है आपको 40 के लगभग देखने को मिल जाएगी। सो माइलेज भी जो अच्छी खासी दे देती है। लेकिन जिसका 2V मॉडल आता है, जो इसका ओल्ड वाला मॉडल है जो अभी भी आपको देखने को मिल जाता है RTR 160 2V, वो जो है आपको ज़्यादा माइलेज देगा। इसके कंपेयरिंग में भी आपको माइलेज चाहिए तो वो जो आपको ज़्यादा माइलेज दे देगा। उसमें जो है यार परफॉर्मेंस उसकी भी अच्छी है, मैंने खुद यूज़ की हुई है, परफॉर्मेंस जो है उसकी भी काफ़ी अच्छी है। TVS की बाइक्स में जो है यार काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस होती है। थ्रोटल रिस्पांस जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। यदि आप एकदम से थ्रोटल देते हो तो आपको जो है काफ़ी अच्छा क्विक रिस्पांस देखने को मिलता है। एंड गाइस बात करूँ टॉप स्पीड वगैरह के बारे में, तो यहाँ पे जो है 130 तक की जो है आपको टॉप स्पीड इजीली दे देगी। हाईवे पे ट्राई करना, कभी सिटी वगैरह में ट्राई मत करना। हाईवे पे भी तब ट्राई करना जब जो है थोड़ा सा खुला हाईवे हो, तो वहाँ पे जो है ट्राई आप कर सकते हो और वो भी फुल गियर्स के साथ में। आपको बता दूंगा इस यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। यहाँ पे जो है इस आपको बॉडी कलर जो है इंजन काउल देखने को मिलेगा, जो कि आप नीचे की तरफ देख सकते हो, देखने में जो है काफ़ी अच्छा लगता है ये भी। अभी बात करते हैं कि इस ब्रेकिंग के बारे में। ब्रेकिंग की बात करूँ, सिंगल चैनल आपको ABS मिल जाता है। फ्रंट में जो है 270mm का डिस्क मिल जाता है, रियर में जो है आपको 200mm का डिस्क मिल जाता है। सो ब्रेकिंग भी जो है काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। इस सेगमेंट में जो है ज़्यादातर आपको सिंगल चैनल ABS ही देखने को मिलता है। फ्रंट में गई आपको फुली LED हेडलाइट मिल जाएगी, LED DRLs मिल जाएंगी। सो फ्रंट का जो LED लाइटिंग सिस्टम है वो भी जो है देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे जो है आपको ब्राइटनेस भी जो है काफ़ी अच्छी मिल जाती है। एंड रियर में जो है गई आपको LED टेल लाइट मिल जाती है, जो कि फुली LED होने वाली है, जो कि आपको पहले भी मिलती थी। आपको बता दूँ हेलोजन इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। सो यहाँ पे जो है आपको हेलोजन इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। लाइटिंग सिस्टम जो है आपको अच्छा खासा मिल जाएगा बाइक में। सस्पेंशन की बात करूँ, फ्रंट में जो है आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं एंड रियर में जो है आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं। सो सस्पेंशन सेटअप भी जो है बाइक का अच्छा खासा मिल जाता है। आपको बता दूँ मीटर कंसोल के बारे में, फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है। बैकग्राउंड लाइट जो है आपको ऑरेंज कलर की देखने को मिलेगी, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी अच्छे से दिख पाती है। इसका जो 200 वाला मॉडल है उसमें जो है आपको व्हाइट बैकलाइट देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको ऑरेंज बैकलाइट देखने को मिलती है। आपको बता दूँगा इस यहाँ पर जो है आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, गियर इंडिकेटर वगैरह जो है आपको इस बाइक में नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ जो है आपको फ्यूल मीटर वगैरह, ट्रिप मीटर वगैरह, क्लॉक वगैरह, तो ये सब जो है आपको देखने को मिलेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, बाकी जो है आपको मॉलवेयर इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ जो है आपको इसका मीटर कंसोल देखने में लगता है। इस बात करूँ इसके हैंडल बार के बारे में, तो यहाँ पे जो है इस आपको कुछ बटन्स देखने को मिलेंगे जो आपको पहले से मिलते आ रहे हैं। सो वही जो है सारे बटन्स आपको देखने को मिलेंगे, बेसिक बटन्स, इंजन कट ऑफ स्विच, सेल्फ स्विच, हॉर्न स्विच एंड यहाँ पे जो है इंडिकेटर वगैरह या फिर पासिंग वगैरह, सो ये कुछ स्विचेज आपको देखने को मिल जाएंगे। बता दूंगा इसके कलर्स के बारे में, कलर्स जो है मैंने आपको पहले भी बताए, यहाँ पे आपको रेड कलर मिल जाता है, ब्लैक कलर मिल जाता है, ब्लू कलर मिल जाता है। तीन कलर्स जो है आपको बाइक में देखने को मिलेंगे। ग्राफिक्स जो है काफ़ी अच्छे इस पर मिल जाते हैं। सीटिंग की बात करूँ, आपको सिंगल सीट मिलती है। यहाँ पे जो है 800mm जो है सीट हाइट होने वाली है। सो यहाँ पे जो है सीटिंग हाइट जो है काफ़ी अच्छी रखी गई है। आपको बता दूँ ये जो बाइक है फैमिली पर्पज़ के लिए भी जो है काफ़ी अच्छी होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे जो है सिंगल सीट मिलती है और हाइट भी
ज़्यादा नहीं है। सो यहाँ पे आप फैमिली पर्पज़ के लिए भी ले सकते हो। यहाँ पे जो है पिलियन और राइडर के लिए दोनों के लिए जो है काफ़ी कंफर्टेबल सीट होने वाली है। सो यहाँ पे जो है आप फैमिली पर्पज़ के लिए भी ले सकते हो। आपको बता दूँ लॉन्ग राइड्स वगैरह में जो काफ़ी अच्छी है ये बाइक, लॉन्ग राइड्स भी जो आप इजीली कर सकते हो, हाईवे राइड, सिटी राइड, मतलब कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपको बता दूँ इसके एग्जॉस्ट के बारे में, एग्जॉस्ट के बारे में बात नहीं करते हैं, आप एक बार इसकी आवाज़ सुन लीजिए। सो गाइस आवाज़ जो है आपने सुन ली, कमेंट में जो है ज़रूर बताना कैसी आपको साउंड लगी। मेरे को जो है काफ़ी अच्छी लगती है। अपाचे RTR जो सीरीज है इसमें जो है यार काफ़ी अच्छी आपको साउंड देखने को मिलती है। इससे ज़्यादा बेटर आपको साउंड देखने को मिलेगी इसके 200 वाले मॉडल में, वहाँ पे जो है और बेसी साउंड आपको देखने को मिलती है। सो उसकी जो है और अच्छी साउंड मेरे को लगती है। आपको बता दूँगा इस टायर्स वगैरह के बारे में, फ्रंट में जो आपको 90x90 का टायर मिल जाता है, रियर में जो है आपको 130x70 का टायर मिल जाता है। 17 इंचज के जो आपको टायर्स देखने को मिलेंगे, ट्यूबलेस टायर्स ये होने वाले हैं। आपको बता दूँ इसके रिम्स के बारे में, जो रिम है वो जो है आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा, उस पर जो है आपको स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगी RTR की रेसिंग वगैरह की। सो यहाँ पे जो है ये ग्राफिक्स भी जो है इस पर काफ़ी अच्छा लगता है। आपको बता दूँ वेट के बारे में, 149 जो है इसका कर्व वेट है, जो कि काफ़ी अच्छा वेट है। आप जो है इसको ज़्यादा हैवी भी नहीं बोल सकते और ज़्यादा लाइट भी नहीं बोल सकते। यहाँ पर जो है आप इसको सिटी में भी इजीली राइड कर सकते हो और हाईवे पर भी। सो हाईवे पर भी जो है आपको काफ़ी अच्छी हैंडलिंग है, फिर कंट्रोलिंग जो है आपको काफ़ी अच्छी देता है। आपको बता दूँ कि इस 12 लीटर का जो है फ्यूल टैंक मिल जाता है आपको यहाँ पे, आप जो है लगभग 11 लीटर जो है इसको फिल करा सकते हो। बाकी बताऊँगा इस फाइनली इसकी प्राइसिंग के बारे में, प्राइस जो है लगभग 1.21 लाख जो है इसके ड्रम वाले वेरिएंट की है ऑन रोड प्राइस। जिसका ड्रम वाला वेरिएंट है जो लो मॉडल इसका, उसकी जो प्राइस है वो है 1.21 लाख ऑन रोड। एंड बात करूँगा इस ड्यूअल डिस्क मॉडल की जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसकी जो प्राइस है वो है 1.25 लाख ऑन रोड। सो मैं जो है गाइस आपको ऑन रोड बता रहा हूँ, दिल्ली का ऑन रोड प्राइस है। बाकी जो है आप अपने सिटी में वो चेक कर सकते हो, किसी भी शोरूम में जो है विजिट कीजिए, वहाँ पर जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या फिर जो आप गूगल मैप से जो है नंबर निकाल के जो है कॉल भी कर सकते हो, आपको जो है कॉल पर भी प्राइसिंग वगैरह बता दी जाएंगे। सो वो जो है ईजी वे है, वो जो है आप ट्राई कर सकते हो। बिकॉज आप जो है कमेंट करते हो कि यार हमारी सिटी में क्या प्राइस है, हमारी में क्या है। सो मैं जो है आपको सजेस्ट करूँगा आप जो है गूगल मैप पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए कि TVS शोरूम नियर मी। सो आप जो है पता चल जाएगा वहाँ पे, वहाँ पे आप कॉल कीजिए, वहाँ पे जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो गाइस ये जो बाइक है अपने सेगमेंट में जो है परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी अच्छी जानी जाती है। सो यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस यदि आपको चाहिए, सो आप जो है अपाचे के अलावा किसी भी बाइक की तरफ मत जाना। यहाँ पे जो है अपाचे जो है आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है। यदि आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप जो है MT15 या फिर R5 की तरफ भी जा सकते हो। सो गाइस आज की वीडियो में यही एक छोटा सा रिव्यू था। कोई भी आपके डाउट्स हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो MRDFlogSamsonDID, वहाँ पे जो आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। सो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।